हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। पार्ट वन जरूर आपने देख ली होगी। जैसा कि मैंने कहा था, मैं पार्ट टू भी रिलीज करूंगा जल्दी। थोड़ा बहुत टाइम नहीं था मेरे पास, कुछ ऑफिस के काम से मैं बिजी था। मार्च चल रहा है वैसे भी। तो आज के सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा इसको आपको स्विच बोर्ड के अंदर कैसे फिट करना है और इसकी स्विच बोर्ड के अंदर वायरिंग कैसे करनी है। तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और ये आप घर पे ट्राई मत करिएगा। ये मैं अपने हिसाब से अपने रिस्क पे कर रहा हूँ, मैं 4 बार झटके भी खा चुका हूँ। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर पे ट्राई मत कीजिएगा। अगर कुछ भी हुआ मेरा चैनल और मैं कुछ रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये है मेरा एलिस का स्विच बोर्ड, पर कुछ कारण के हिसाब से ये इसमें फिट नहीं हो पा रहा है। आप इसको एंकर के स्विच बोर्ड या हाईफाई या कोई भी आप कंपनी के स्विच बोर्ड में आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो ये कहा गया था कि ये यूनिवर्सल स्विच बोर्ड में, मतलब कि ये यूनिवर्सल स्विच है, ये किसी में भी फिट हो जाएगा, पर इसमें नहीं हो रहा है। पर मुझे सेटिंग करके इसको फिट करना पड़ा। तो चलिए अभी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ ये कैसे वर्क करता है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ये लाइन है जहाँ पे मेन जो वायर आता है वो इसको इसमें लगाना। आप देख सकते हैं इसमें लाइट भी हो रही है और ये है न्यूट्रल। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि मैंने क्या किया है, इसके साथ ग्रीन वायर का जो दूसरा वायर है, सेकेंड वायर, अब ये तो क्या हो गया, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, अब मैंने इसके साथ 4 स्विच को कॉन्फिगर कर दिया है। पहले मैंने क्या किया, मेन लाइन को मैंने PNL में डाला, जो मेन लाइन आ रही है आप देख सकते हैं इसमें करंट अभी भी पास हो रहा है, और ये है न्यूट्रल, इसमें करंट पास नहीं हो रहा है। तो मुझे क्या करना था, पहले मेन लाइन यहाँ डालनी थी और न्यूट्रल यहाँ डालना था। फिर दूसरी चीज क्या है कि कोई भी चीज हो जाए, ये स्विच के अंदर के कुछ भी चीज, हर चीज के दो वायर होते ही होते हैं, एक जाता है न्यूट्रल तो एक जाता है लाइन में। तो मैंने क्या किया, मेरे इधर 3 स्विच लगे थे और चौथा ये भी मैंने बंद कर दिया। तो ये सबका जो एक वायर जो था नीचे, उसमें लगा था ये न्यूट्रल वाला और दूसरे में लगा था ये वाला। तो हाल फिलहाल अभी क्या है, जो पहला जो वायर है जो मेन होता है बिना जो लाइन वाला, वो मैंने इसमें डाला है L1 में, और जो दूसरा वाला वायर है वो न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो चुका है अंदर से। तो अभी मैं आपको ये बता दूं एक एक स्विच ऑन करके ये कैसे काम कर रहा है। अभी देखिए सारी लाइटें चली गई है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। चलो अभी मैं इसे स्विच बोर्ड में फिट करने का ट्राई करता हूँ। वैसे वो तो जाना ही चाहिए, बड़ा मुश्किल से जाएगा, थोड़ा डर लग रहा है करंट ना लगे। करंट लग गया, करंट लग गया। प्लीज आप ये घर पे मत ट्राई कीजिएगा। आप जो भी एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक का जो काम करता है उसे ही बुलाइएगा आप। चलो ये फिट तो हो गया। अब ये देखिए, अब ये मैं पहला स्विच चालू करता हूँ। मुझे भी याद नहीं मैंने इसको किस हिसाब से कॉन्फिगर किया था। पहला स्विच चालू किया तो मेरा सितारा चालू हो गया, दूसरा स्विच चालू किया तो मेरे ये दो लाइट चालू हो गए, तीसरा स्विच चालू किया तो यह मेरा ड्रेसिंग रूम वाला चालू हो गया, चौथा चालू किया तो मेरा ये वाली लाइट चालू हो गई। अब जो तीसरा पार्ट आने वाला है वो है मोबाइल वाला, तो मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। तो चलो अभी हम इसे बंद कर देते हैं, 1, 2, 3, 4। तो जो मेरा नेक्स्ट अभी पार्ट 3 आएगा वो आएगा मोबाइल वाला, कि इसको मोबाइल से कैसे यूज कर दे। एक खाली आपको बता देता हूं मैं, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, किसी हिसाब से करेंगे, मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, 1, 2, 3, 4। सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड पार्ट 3 के लिए रेडी रहना। वो भी मैं हो सका टाइम मिला तो मैं उसे भी अपलोड करूंगा। पार्ट 3 रहेगा मेरा कि स्विचेस को मोबाइल के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है।